हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के गांव अघिहार की अंबिका की कपूरथला में शनिवार को संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को अंबिका का अंतिम संस्कार पैतृक गांव अघिहार में ही किया गया। मृतका के परिवार वालों ने वर पक्ष के 6 लोगों पर दहेज की मांग करने और बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पिता मुकेश कुमार ने बताया कि बेटी की शादी गाँव कुड़ाना के रहने वाले योगेश के साथ 29 अप्रैल 2018 को हुई थी। लड़की RPF में कांस्टेबल के पर लखनऊ में तैनात थी, जबकि पति योगेश 58 आर्मेड ब्रिगेड कपूरथला में है। अंबिका की 8 महीने की बच्ची भी है। वो 12 महीने के मेटर्निटी अवकाश पर अपने पति के पास कपूरथला गई हुई थी, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने वर पक्ष पर दहेज का आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के 2 दिन बाद ही दहेज को लेकर अंबिका के साथ मारपीट शुरू कर दी गई थी। उन्हें बताया कि 30 लाख रुपये की मांग की गई थी। शादी के बाद से ही पति और परिवार के सदस्य उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे थे। इनका 2 से 3 बार समझौता भी कराया जा चुका है। शादी के करीब 2 साल बाद उन्होंने अपनी बेटी को RPF में भर्ती करा दिया था। अंबिका के ससुराल के लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी गला घोंटकर हत्या की है। उन्हें बताया कि आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना का कपूरथला में शिकायत दी गई है। परिवार वालों ने सरकार और प्रशासन से वर पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिता के बयान पर कपूरथला पुलिस कोतवाली थाने द्वारा चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर पति योगेश, ससुर सोमवीर सिंह, सास और ननद और देवर और बिचौलिया महेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतका के पिता का आरोप है कि बेटी के शव को लेने के लिए ससुराल पक्ष कोई नहीं आया, इसलिए उन्होंने बेटी का गांव में ही अंतिम संस्कार किया है। दहेज लोभियों ने शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए मारपीट शुरू कर दी थी। उसकी मांग है कि बेटी को जल्द ही न्याय मिले और ये मामला स्थानीय पुलिस को सौंपा जाए। RPF अधिकारियों की कॉल आई थी, शाम को 4 बजे पहुंचने की बात कही गई थी। उनसे बात करके बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अंबिका के पिता मुकेश ने बताया कि 19 मई को बेटी के ने फोन के माध्यम से उन्हें सूचना दी थी कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। सूचना के बाद बेटी को वहां से घर आने के लिए कहा था, लेकिन बेटी ने भी उसके पास पैसे नहीं होने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने फोन पे के माध्यम से बेटी को 3,000 रुपये भेजे थे। इसके बाद लगातार कोशिश के बावजूद भी बेटी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। उन्हें संदेह है कि 20 मई को योगेश ने बेटी की हत्या कर दी। 21 मई को आर्मेड के अधिकारी ने उन्हें फोन पर सूचना दी। सूचना के बाद परिवार सहित कपूरथला पहुंचे। 22 मई को सभी प्रकार की प्रतिक्रिया पूरे होने के बाद डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। ससुराल पक्ष से कोई भी शव को लेने नहीं पहुंचा।